खुशी है कि आपने जिन बातों को हम लोगों को कहना चाहिए थी, अभी जब रामचंद्र बाबू बोल रहे थे और पहले इसके पहले जिस ढंग से आप लोगों ने हाथ उठाया कि बिहार का विकास तो कौन चाहिए, तो आपने स्वयं नारा लगा दिया कि नीतीश कुमार चाहिए। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, तब आप लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार। आपने स्वयं कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ युवकों की पसंद बिहार में कोई है, कोई किसानों का पसंद है, कोई अल्पसंख्यकों का पसंद है, तो दरभंगा की जनता ने जय ध्वनि से और हाथ उठा के इसका समर्थन कर दिया। आज का दिन दरभंगा राज मैदान में जरूर हम लोगों की सभा हो रही है, लेकिन आज का दिन बिहार के लिए खुशी का दिन, बिहार के लिए प्रसन्नता का दिन है, बिहार के लिए आगे बढ़ने का एक मजबूत प्रमाण मिला है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नव निर्माण का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आगे और ज्योति के साथ आगे बढ़ाने का काम बरौनी में किया है, यह बिहार के लिए गौरव की बात है। साथियों, कुछ 3 ही महीने के बाद दरभंगा में एक चुनौती और आएगा, और वह चुनौती आएगा कि यहाँ से कौन हमारा नुमाइंदा होगा। लेकिन आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ जो उम्मीदवार होगा दरभंगा की जनता की मोहर लगेगी, और जनता की मोहर से वह व्यक्ति दरभंगा का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन देश के सामने एक बड़ी घटना हुई, और जब मैं बोलना खत्म करूँगा संजय जी आकर के अपील भी करेंगे कि देश के नौजवानों के शौर्य को, देश की अस्मिता के शौर्य को, देश के तरुणाई की शक्ति को, देश के शौर्य को जिन लोगों ने ललकारा है, पाकिस्तान और उनके सरपरस्तों ने, देश खौल रहा, देश गुस्से में है और देश चुनौती देने के लिए खड़ा है। आज वैसे सारे सेनानियों को जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी है उनको यहाँ से हम लोग सैल्यूट करते हैं, उन लोगों को स्मरण करते हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।